हेलो एवरीबॉडी, ओके आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। एंड आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी हम देख रहे थे, उसमें हमने पॉपुलेशन डेंसिटी देख लिया था, राइट। आज हम देखेंगे नेटालिटी एंड मोर्टालिटी, ठीक है। नेटालिटी एंड मोर्टालिटी, तो नेटालिटी का मतलब क्या है? सिंपली अगर हम सिंपल वर्ड में बोले तो इट इज अ बर्थ रेट, ठीक है। और मोर्टैलिटी मतलब डेथ रेट। देखिए अभी हम ना इकोलॉजी के बारे सॉरी पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। तो पॉपुलेशन में बर्थ रेट आता है, ठीक है। जैसे कोई इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पर क्या आता है? बर्थ, राइट। किसी की बर्थडे है आज, ऐसे बोलते ना हम, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल जब हम कंसिडर करेंगे वहाँ पर क्या आएगा? बर्थ डे, ठीक है ना। पर यहाँ पर हमारे जब हम पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या आता है? बर्थ रेट या तो फिर डेथ रेट, ठीक है। इसको हम नेटालिटी में मतलब इसको हम नेटालिटी बोल देते हैं बर्थ रेट को, और डेथ रेट को बोल देते हैं मोर्टैलिटी। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब समझने वाली चीज़ है नहीं, रॉकेट साइंस तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है। बस ये कि आपको रिलेट करना होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ हम यहाँ पर पढ़ते हैं आपको रिलेट करना है, क्योंकि इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, हमें हमें क्या करना होता है? हमें रिलेट करना होता है, तभी एक हमारे ना कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी आएंगे, ठीक है। देखिए बर्थ रेट, अब नेटालिटी भी बोलते कि टू प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ठीक है। दैट इज आवर मैक्सिमम नेटालिटी एंड इकोलॉजिकल नेटालिटी। इकोलॉजिकल नेटालिटी को हम बोलेंगे रियलाइज्ड नेटालिटी भी बोलते हैं, ठीक है, रियलाइज्ड नेटालिटी। और हम इन सेम वे हम मैक्सिमम नेटालिटी को एब्सोल्यूट नेटालिटी भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट या तो फिर फिजियोलॉजिकल नेटालिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमें क्या पता चला कि नेटालिटी भी भाई दो प्रकार के होते हैं, राइट। एक को हम बोलेंगे मैक्सिमम नेटालिटी, और एक को बोलेंगे हम इकोलॉजिकल नेटालिटी, राइट। और इकोलॉजिकल नेटालिटी को हम बोलेंगे रियलाइज नेटालिटी भी, ठीक है। और मैक्सिमम नेटालिटी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट और तो फिजियोलॉजिकल नेटालिटी। देखिए रियलाइज वर्ड ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, रियलाइज वर्ड, क्योंकि इकोलॉजी में रियलाइज बहुत मतलब कई सारे जगह पर आ सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, उनमें भी हम देखेंगे रियलाइज मतलब एक्चुअल जो हो रहा है, ठीक है ना, थियोरेटिकल नहीं है। अब देखिए मैक्सिमम नेटालिटी में क्या होता है कि मैक्सिमम नेटालिटी में ये होता है कि एक पॉपुलेशन में बर्थ रेट कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है ना। एक आइडियल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है ना, मतलब इन्वायरमेंट भी कॉन्स्टेंट और फिर जो बर्थ रेट रहेगा वो भी कॉन्स्टेंट। पर ऐसा तो होता नहीं कुछ, राइट, बिकॉज इकोलॉजी क्या एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है, राइट। इसीलिए ये तो एक थियोरेटिकली हो गया ना, मतलब हम किसी भी अब अगर हमने कांस्टेंट कंसिडर करके आइडियल एनवायरनमेंट कंसिडर करके हमने ये चीज़ को देखा तो ये तो नहीं होगा, बस मतलब खाली पढ़ने वाली चीज़ है ये, बट एक्चुअली होता नहीं ऐसा, ठीक है। वेयर एज हमारे इकोलॉजिकल नेटालिटी या तो फिर हम बोले रियलाइज नेटालिटी क्या है, ये एक एक्चुअल बर्थ रेट बोल सकते हैं, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर आपके एनवायरनमेंट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना, मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से आपके जहाँ पर बर्थ रेट होंगे उसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल नेटालिटी या तो फिर बोलेंगे रियलाइज नेटालिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड इन द सेम वे आप यही वाले कॉन्सेप्ट को लगाकर मोर्टैलिटी को भी समझ सकते हो, ठीक है। मोर्टैलिटी में भी दो टाइप मोर्टैलिटी भी दो टाइप के आपके, ठीक है ना। एक तो है आपके मिनिमम मोर्टैलिटी और एक होंगे आपके इकोलॉजिकल या तो फिर बोलिए मोर्टैलिटी, ठीक है ना। मिनिमम मोर्टैलिटी या तो फिर इकोलॉजिकल या तो फिर रियलाइज्ड मोर्टैलिटी, ठीक है। अब देखिए मिनिमम मोर्टैलिटी क्या बोलता है, किसी भी पॉपुलेशन में एक कांस्टेंट
नंबर ऑफ डेथ रेट, ठीक है ना, कांस्टेंट, मतलब एक एनवायरनमेंट भी क्या हो गया आइडियल, एक मतलब कांस्टेंट, जहाँ पर कोई भी आपके लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है राइट, हम एक क्लोज मतलब हम एक इकोसिस्टम में रहते हैं तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर्स बहुत होते हैं राइट, तो ये तो बस पढ़ने वाली बात होगी, तो हम इसको भी बोल सकते थियोरेटिकल राइट। एंड इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल और रियलाइज मोर्टैलिटी जस्ट अपोजिट है, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है कि हाँ चलो मतलब यहाँ पर कंडीशन आइडियल नहीं रहेगा, ठीक है ना, जिस तरीके से अब एनवायरनमेंट में चेंजेस आएंगे उसी प्रकार से ये भी क्या होंगे आपके चेंजेस, ठीक है ना, तो होंगे, ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पर डेथ नहीं होगा, होगा, बट मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से, इन्वायरमेंट यहाँ पर क्या है कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों को कि सभी चीज़ों को ना रिलेट करना है, ठीक है, विदाउट रिलेट किए हुए आपको नहीं पढ़ना है, खाली ऐसे मतलब ऐसे रटना नहीं है, ठीक है ना, इसको समझ के पढ़िए, ओके। एंड यहाँ पर एक टर्म आता है फर्टिलिटी, फर्टिलिटी और फिसेंडिटी, ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम फिसेंडिटी बोलेंगे ना, ये किसको दर्शाता है, ये दर्शाता है कैपेबिलिटी को, ठीक है ना, कोई भी पॉपुलेशन या तो कोई एक पॉपुलेशन में एक फीमेल की कैपेसिटी को दर्शाता है, ठीक है ना, कि हाँ उनमें एक एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपके एनवायरनमेंट को, मतलब एनवायरनमेंट क्या है अभी कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हाँ ऑल दो मतलब लोग, कई सारे लोग क्या करते हैं कि इनको ना एज अ सिनोनिम्स यूज़ करते हैं, ठीक है, पर हमें ये याद रखना है कि इनमें बहुत थिन एक डिफरेंसेस है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आज हमने पढ़ा नेटालिटी यानी बर्थ रेट एंड मोर्टैलिटी यानी डेथ रेट, राइट, ये भी क्या एक पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है ना। तो आने वाले हम क्लास में देखेंगे कि सर्वाइवरशिप कर्व, ठीक है, एंड आपके नेटालिटी एंड मोर्टैलिटी से रिलेटेड एक हमारा लाइफ टेबल बचता है, वो हम आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है, तो यस आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में, ठीक है।